खिचड़ीपुर नगर निगम स्कूल के सीवर में 21 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। निगम स्कूल परिसर में लाश मिलने की जानकारी पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता मनोज त्यागी घटना स्थल पर पहुंचे और स्कूल की सुरक्षा पर सवाल उठाया। मनोज त्यागी ने कहा कि स्कूल के आसपास रह रहे लोगों ने जब स्कूल से बदबू आने की शिकायत की, तब पुलिस ने छानबीन की तो सीवर से 21 साल के युवक का लाश बरामद हुई। ये बहुत ही चिंता का विषय है। एमसीडी प्राइमरी स्कूल जो कि जोन चेयरमैन के क्षेत्र में आता है और जोन चेयरमैन यहाँ की काउंसलर है, यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे सिक्योरिटी गार्ड भी स्कूल के अंदर होगा, दो शिफ्टों में होगा, उसके बावजूद यहाँ पे स्कूल के स्टाफ को उसकी स्मेल नहीं आई और किसी को जानकारी नहीं मिली। जब बराबर में रहने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ से बदबू आ रही है, तब जाकर के उसकी तफ्तीश की गई, तब पुलिस आई और तमाम नागरिकों की वजह से आज ये मतलब पता चल पाया कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एमसीडी प्राइमरी स्कूल जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस नगर निगम को चला रही है उसके अंतर्गत ये स्कूल आता है, खिचड़ी, इसको खिचड़ीपुर ब्लॉक 7 का स्कूल बोलते हैं, ब्लॉक 7 खिचड़ीपुर के स्कूल में जिसकी जोन चेयरमैन भावना मलिक जी जोन चेयरमैन भी हैं और उन यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ना तो क्षेत्रीय निगम पार्षद यहाँ आई हैं, ना तो वो पार्षद होने के नाते आई, ना जोन चेयरमैन होने के नाते आई, ना निगम से कोई और नेता यहाँ पे आया है। तो मैं समझता हूँ कि उनको आना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर हमारे जो एमसीडी के अंतर्गत चलने वाले स्कूल हैं उनके अंदर ऐसी घटनाएं किस तरीके से हो जाती हैं, किसकी उसमें लापरवाही है, किसकी अनदेखी है, किसने अनियमितता बरती है यहाँ पे सुरक्षा को लेकर के। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर एमसीडी प्राइमरी स्कूल के अंदर ऐसी डेड बॉडी का मिलना जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ने आएंगे। अभी तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं लेकिन अपने वो आजकल बना बना के वर्कशीट दे रहे हैं, तो वर्कशीट लेने बच्चे आते होंगे, उनके पेरेंट्स भी आते होंगे। अगर ऐसे में उन बच्चों के साथ कोई घटना घट जाए, उसमें छोटी बच्चियां भी आती हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही संगीन मामला है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक की पहचान हो गई है, वह स्कूल के पास ही झुग्गी में रहता था। युवक की मौत कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी। दिनेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली।